इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। खबरों के तूफान ब्रेकिंग न्यूज की शुरुआत इस वक्त की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज से। सीपीआई नेता और जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार को कांग्रेस में शामिल करने के फैसले पर बीजेपी ने सवाल उठा दिया है। बीजेपी ने कहा है कि टुकड़े टुकड़े गैंग का कांग्रेस में विलय हो रहा है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक की सालगिरह के दिन कांग्रेस अफजल को अपना गुरु मानने वालों को अपनी पार्टी में शामिल कर रही है। कन्हैया कुमार के साथ साथ आज गुजरात के निर्दलीय विधायक और दलित एक्टिविस्ट जिग्नेश मेवाणी भी कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। कांग्रेस के इस फैसले पर बीजेपी ने भी अब सवाल उठाए हैं। देखिए, आज कन्हैया कुमार कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन कर रहे हैं, ऐसे तो कांग्रेस पार्टी का ये अपना विषय है, हम इसमें कमेंट नहीं करना चाहते हैं, मगर ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि टुकड़े टुकड़े गैंग और कांग्रेस पार्टी दोनों का विलय हो रहा है। आज कोई साधारण दिन नहीं है, आज सर्जिकल स्ट्राइक का एनिवर्सरी है। तो एक तरफ वो ताकते हैं हिंदुस्तान में, चाहे हिंदुस्तान की वर्तमान सरकार, चाहे इंडिया की जाबाज आर्मी हो, जिनका एक ही मकसद है हिंदुस्तान को बचाना, हिंदुस्तान की एकता को, अक्षुण्णता को बचा के रखना। और दूसरी तरफ वो ताकते हैं जिनको हम टुकड़े टुकड़े गैंग कहते हैं, जिन्होंने ये स्लोगन्स दिया था, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। आज भारत तेरे टुकड़े वालों को कांग्रेस पार्टी अपने पार्टी में शामिल कर रही है, अफजल को जो अपना गुरु मानते हैं उनको अपने पार्टी में शामिल कर रही है। खैर, राहुल गांधी तो जाके जेएनयू में इनके साथ खड़े हुए ही थे, अब उनकी बारी है, वो राहुल गांधी के साथ खड़े हो रहे हैं। हिंदुस्तान देख रहा है, हिंदुस्तान लोकतांत्रिक तरीके से जवाब देगा। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।